असीम कृपा से एकत्रित यहाँ देखा है। और तो और पूज्यपाद महाराज जी भी इतनी मुश्किल से जिनके दर्शन होते हैं अस्वस्थ रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उम्र का तकाजा है, मैं ये कहूंगा कि वो अपने ही अंदर अपनी भावनमयी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। हम उनको वहां से खींच के यहाँ ले आए। आप लोगों के प्रेम की बड़ी ही प्रबलता है जो उनको विवेश करके यहाँ खींच के ले आए। मैं अधिक कुछ नहीं कहकर आपको महाराज जी की वाणी से दूर नहीं रखना चाहता, लेकिन एक बात मैं बतला देना चाहता हूँ। दिल्ली में हमारे गुरु महाराज जी ने मठ बनाया, श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ। मठ मथुरा में भी है, वृंदावन में भी है और गोवर्धन में भी है। गुरु महाराज जी के यहाँ जहाँ हम घूमे, बहुत सारे गौड़िया मठ और भी हैं। शुद्ध भक्ति का प्रचार सर्वत्र हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली से जुड़ा हूँ, थोड़ी मेरा उसमें आसक्ति, स्वार्थ और ममता अधिक रहती है। पर मैं ये अनुभव करता हूँ, विश्व का कोई भी कोना हो, लेकिन गौड़िया मठ में अगर सही रूप से कहीं भी कोई मठ होता है, वो स्थान वृंदावन हो जाता है। वो ना अंबाला रहता है, ना वो दिल्ली रहता है, ना ही वो और विदेश का कोई हिस्सा रहता है। खाली वृंदावन ही नहीं, एक तरफ नवदीप होता है, एक तरफ वृंदावन होता है, उसका मिलित धाम होता है। और जब ठाकुर जी आ जाते हैं तो वो साक्षात होते हैं उनमें, और मूर्ति कहीं नहीं जाना चाहिए, उनमें और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं होता है। अंबाला वालों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। मैं जब यहाँ नीचे उतरा तो मेरे मुख से दो लाइनें निकली, कैसी होनी हुई, वाह, अनहोनी कैसी होनी हुई, खेत निकाल कर यहाँ पर श्री कुंज बिहारी, क्या नाम, कुंज बिहारी की है कॉलोनी, क्या कैसी अनहोनी होनी हुई कि खेत काट कर कुंज बिहारी जी की कॉलोनी हुई। तो कुंज बिहारी जी यहाँ साक्षात मौजूद हुए हैं, महाराज मौजूद हुए हैं। इतने जबरदस्त आशीर्वादों को आप अच्छी तरह से संजो कर उसको आगे बढ़ाना, इसे पानी ना समझना, नहाया धोया और छिड़क दिया, इसे बीज समझना जो फसल बोके बड़े बड़े फल प्रदान करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय। आज संत सम्मेलन जहाँ पर आप सभी अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, श्रेष्ठ गुरुजन पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी मानस का श्री मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेश नौ विश्वपाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज एवं मेरे शिक्षा गुरु एवं संन्यास गुरु नित्य लीला प्रवेश नौ विश्वपाद स्त्रोत्र भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं ओम विश्वपाद स्त्रोत्र भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग सपार्श श्री प्रभुपाद जी की रहतु की कृपा से पूज्यपाद महाराज जी के सानिध्य में एवं यहाँ मंच पर आसीन सन्यासी ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी आप सभी जो यहाँ पर आए, हम सबका परम सौभाग्य आज इतने भाग्य से हमको पूज्यपाद महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उद्देश्य क्या हम सब जानते हैं, इस स्थान पर कुंज बिहारी कॉलोनी में
शिकुंज बिहारी गौड़िया मठ का आज भूमि पूजन या उद्घाटन आरंभ हुआ है। मैं संक्षेप में कुछ इतिहास बताना चाहता हूँ। ये कुंज बिहारी गौड़िया मठ का जो नाम यहाँ का नाम रखा गया वो तो पूज्यपाद महाराज जी ने ही रखा गया, और ये हमारा पांचवा वर्ष है जब हम अंबाला में यहाँ पर भागवत एवं प्रचार आदि कार्य कर रहे हैं। 4 वर्ष से यहाँ पर प्रचार जो आरंभ हुआ हमारे गुरु भाई श्री सोमनाथ प्रभु जी, उनके यहाँ पर कुछ रिलेटिव बिट्टू सहगल जी रहते थे, उन्होंने बात की कि अंबाला में कुछ कथा हो, तो कथा का आयोजन कुछ ही घंटों में सभी ने इनका समर्थन करके कुछ ही घंटों में इस आयोजन को सम्मति प्रदान की, और तब से ही अंबाला में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होने लगी। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री वंशी प्रभु की कृपा से पूरी से यहाँ पर पधारे, और जब यहाँ पर आए तो फिर भक्तों ने कहा हम इनको जाने नहीं देंगे, यहीं पर ही रखेंगे। तभी से श्री जगन्नाथ जी भी यहाँ पर रहने लगे। हर वर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का 7 दिन की हरि कथा का आयोजन होता है, परंतु इसके साथ साथ हमारे और भक्तवृंद जैसे श्रीपाद विजय प्रभु श्री राधानाथ प्रभु जी, ये सब बीच बीच में आकर हर महीने और 2 महीने के बीच में आकर भक्तों को हरि कथा सुनाते और प्रचार कार्य आगे बढ़ता चला गया, और उस कारण से आज ये हमारा सौभाग्य इस क्षेत्र में भी जहाँ पर अभी तक कोई गौड़िया मठ नहीं है, कोई सेंटर नहीं हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से और हमारे गुरुदेव की असीम कृपा से आज उसका भी यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। ये इसका सारा जो श्रेय हमारे गुरु परंपरा को सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि, ये सब उनके चरणों में जाता है। वे हम पर असीम कृपा करें कि इस प्रकार से हम लोग ऐसे ही प्रचार आदि कार्य करके गुरुवर्गों के चरणों में अपने जीवन को किसी किसी प्रकार से अपने समर्थ के अनुसार अपने अधिकार के अनुसार उनके चरणों में हम पुष्पांजलि दे सकें। अभी श्रीपद रामचंद्र प्रभु जी ने गुरु जी का स्मरण कराया और कुछ 1-2 शब्दों के द्वारा अपनी वाक रूपी पुष्पांजलि गुरुदेव के चरणों में अर्पण की। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बीच में श्रीपाद रोनी नंदन प्रभु जी दिल्ली से आए, मैं हमको कुछ हरि कथा श्रवण करें। श्रीपाद रोनी प्रभु जी एक बार स्वागत कीजिए। लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्तकाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्तकाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्तकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हमारे परम पूज्य मंच पर आसीन हमारे भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य कि मैं कुछ जो मैंने इन संतों से सुना है अपनी वाणी को पवित्र करने का मुझे मौका मिला, और हमारे जितने भी वैष्णव